अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें समर टास्क के जो पेपर्स हैं वो कैसे हमने उनको बाइंड करना है या कैसे उनको हमने रखना है या पेपर फोल्डर जो है वो हमने कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैंने एक हार्ड चार्ट लिया है, ठीक है। हार्ड चार्ट की मदद से मैं ये बनाऊंगी, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा सा कटिंग कर लिया, ये नीचे से कटिंग कर लिया ऐसे करके, ठीक है। ये पीछे वाली बैक साइड मैंने रहने दी है क्योंकि ये बैक साइड जो है ये देखें ये ऐसे होगी, ठीक है। मींस के अब जैसे कि स्पोज आपके पास ये हाफ चार्ट है, ठीक है। ये देखें, ये स्पोज आपके पास ये हाफ चार्ट है, आपने इसको जो भी साइड आपने रखनी है उसको रख के आप इधर से इसको इक्वल कर लेंगे, ठीक है। इसको इक्वल करने के बाद आप क्या करेंगे, जो नीचे जो जो फर्स्ट फ्रंट वाला पार्ट होगा उसकी जो है वो आप इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट को आपने ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए, ऐसे अंदर की तरफ जो है वो हम इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फिर हम इसमें पेपर्स जो है ये रखने के हमारे काम आएगा। अब इसको हम फोल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीजर से, हम इसको इक्वल कर लेंगे, ठीक है। हार्ड चार्ट है ना, इसलिए इसकी मदद से हम ये देखें, ये हो गया हमारा। ये देखें, ये ऐसे लुक आएगी इसकी, ऐसे, ठीक है। अब इधर जो है वो हम पेपर रखेंगे, इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ से, इसको ज्वाइंट बाद में करेंगे, पहले हम इसको जो है बाहर से हमने जो भी इसको हमने करना है खूबसूरत सा डेकोरेट करना है या जो भी करना है वो पहले हम इसको कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कुछ चीज़ें फ्लावर्स वगैरह कटिंग कर लेते हैं, कुछ चीज़ें कटिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये देखें जी, ये इस तरह करके हम फाइल को रेडी मैंने कर लिया है। ये मैंने सर्कल सा काट के तो आइस बना के तो मार्कर की हेल्प से जो है वो मैंने ये फेस बना लिया, ठीक है। और जो है ये फ्लावर बना लिया मैंने, और इधर भी मैंने कुछ ऐसे ही बस एक स्ट्रिप काट के, और ये बस मुझे मेरी ड्राइंग जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मैं ड्राइंग में जो है ना थोड़ी मार खा जाती हूँ। तो बाकी ये जो है ये देखें, ये ऐसे करके ये हमारी जो है ना पेपर होल्डर या पेपर फाइल जो है वो हमारी तैयार हो गई। इसको मैंने ग्लू की हेल्प से जो है ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम पेपर्स रखेंगे कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये पेपर्स है ना, अब इनको हम करेंगे स्टेपरल। ये देखें, अब जैसे ये उर्दू के पेपर्स हैं, इनको हम करेंगे स्टेपरल, ठीक है। ऐसे स्टेपरल की मदद से स्टेपरल करेंगे, फिर उसके बाद हम इनको डाल देंगे इसमें। ये देखें, ऐसे ऐसे ये हमारा समर टास्क जो है ना हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने इसलिए पेपर फोल्डर या पेपर फाइल, आप कोई भी नेट से भी कुछ भी आप आइडिया ले सकते हैं। मैंने ये दो बनाई थी तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक ये है, ठीक है, ये मैंने शीट्स की हेल्प से बनाई है, और ये सिर्फ ग्लिटर शीट की हेल्प से बनी। ये सिंपल है, ये थोड़ी सी इसको मैंने डेकोरेट किया हुआ, ठीक है। और ये देखें, आप इस टाइप की भी बना सकते हैं, ये देखें इस टाइप की भी डोल वगैरह को भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके साथ ही जो है वो मुझे इजाज़त दें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू।